हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास सिक्स पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन से सेट्स को शुरू करने जा रहे हैं, जो कि आपकी किताब में सबसे लास्ट में चैप्टर ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको लास्ट में ही पढ़ना ज़रूरी है, इसको आप सबसे पहले भी पढ़ सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम सेट्स है। सेट्स क्या चीज़ है? अगर मैं सेट्स को डिफाइन करूँ तो पहले सेट को डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सिंगुलर जानना है ना। मतलब व्हाट इज सेट, द सवाल इज व्हाट इज सेट। तो सेट सबसे पहले वो चीज़ होती है कि वो कलेक्शन होता है। क्या होता है? ठीक, सेट एक कलेक्शन है। कलेक्शन किस किस चीज़ का हो सकता है? जैसे आप अपने कपड़ों के कलेक्शन की बात करें, आपके घर में आप खुद कपड़े पहनते होंगे, कुछ पैंट्स हैं, कुछ शर्ट्स हैं, कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो एक कलेक्शन है। क्या है? कलेक्शन। लेकिन यहाँ पे जो कलेक्शन होगा, ये कलेक्शन कैसा होगा? वेल डिफाइंड। कैसा होगा? वेल डिफाइंड। ठीक, अब समझ रहे हैं इसको। तो इसको डिफाइन किया गया है, और वेल डिफाइंड, बोलिए, अ वेल डिफाइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेल डिफाइंड कलेक्शन। कलेक्शन तो है ये, लेकिन कैसा कलेक्शन है बच्चों? ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। किसका? ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जिनको हम कलेक्ट कर रहे हैं उसी को हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड व्हाट? सेट। ठीक है, तो आपके मन में एक सवाल आएगा, द क्वेश्चन इज कि किसको वेल डिफाइंड कहते हैं। जैसे मैं बोलूं कि आपके आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं ए से जेड तक, उनमें अगर मैं बोलूं कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, क्या बोलूं? कलेक्शन ऑफ, क्या बोलूं? वॉवेल्स। तो एक बात बताइए, मैंने जो इस बात को कही कि कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, ये वेल डिफाइंड है या नहीं? बिल्कुल वेल डिफाइंड है, क्योंकि सबको पता है, मैं अगर कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स की बात करूं तो इसमें क्या आएगा? ए आएगा, ई आएगा, आई आएगा, ओ आएगा और यू आएगा। ये सबको पता है। कौन आएगा? ए, ई, आई, ओ, यू। तो जो कलेक्शन डिफाइंड है पहले से, मतलब ये है कि मैं कहूँ या आप कहें या आपके फादर कहें या आपकी अम्मी कहें, सब लोग बोलेंगे इंग्लिश में जो वॉवेल्स हैं वो कौन आएंगे, कौन कौन होंगे? ए, ई, आई, ओ, यू। मतलब जिन कलेक्शन में जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, ये ऑब्जेक्ट्स या इनको एलिमेंट्स या इनको मेंबर्स कहते हैं, ये जो मेंबर्स हैं ये वेरी ना करें, सबके लिए सेम हो। सबके लिए क्या हो? जैसे जो मेरे लिए हो वो आपके लिए भी हो। तो आप बताइए, अगर आप वॉवेल्स को कलेक्ट करेंगे, उनके कलेक्शन को निकालने की, उनके कलेक्शन के जो मेंबर्स हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे, क्या मेरे लिए और आपके लिए अलग अलग होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ऐसे कलेक्शन जो मेरे और आपके और सबके लिए क्या हो? सेम हो। वैसे कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, वैसे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वैसे कलेक्शन ऑफ मेंबर्स को हम क्या कहेंगे? सेट। सेट इज व्हाट? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, अगर मैं बोलूं आपके क्लास में जो तेज लड़के हैं या लड़कियां हैं, है ना, इंटेलिजेंट कलेक्शन ऑफ, क्या बोलूं, बोलिए, कलेक्शन ऑफ इंटेली, अरे मैं क्या लिख रहा हूँ, कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट तेज स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। आप जिस भी क्लास में बैठे होंगे, अभी तो शायद मेरा वीडियो आप देख रहे हैं, लेकिन आप जिस क्लास में बैठे होंगे उसमें हमको कलेक्शन करना है, कलेक्ट करना है उन बच्चों को जो लोग क्या होंगे? इंटेलिजेंट होंगे। आई एन टी ई एल एल आई जी ई एन टी, यहाँ पे इंटेलिजेंट लिखा, ठीक से लिखिएगा, द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। ठीक है, कलेक्शन ऑफ। अब बताइए, कोई टीचर आएंगे, मान लेते हैं वो मैथ्स के टीचर हैं, वो बोलेंगे कि दो कोई स्टूडेंट्स को उठाएंगे, बोले ये दोनों सबसे ज़्यादा तेज़ हैं। वो अपने हिसाब से मेज़र किया, क्योंकि वो जो दो बच्चे थे वो दो बच्चे मैथ्स में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे थे, तो वो बच्चे बहुत अच्छे हो गए, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए मैथ्स वाले टीचर के हिसाब से। लेकिन अगर दूसरा टीचर आए साइंस वाले, वो कह रहे हैं दूसरे बच्चे को इंटेलिजेंट। मतलब अलग अलग टीचर के लिए जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का कलेक्शन होगा वो अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा। तो ऐसे कलेक्शन को कहते हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये क्या नहीं है? नॉट
वेल डिफाइंड. क्यों? क्योंकि जो कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास होगा वो सारे टीचर्स के लिए सेम नहीं होगा, अलग अलग टीचर के लिए अलग अलग होगा. लेकिन कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स सारे टीचर्स के लिए, सारे लोगों के लिए, सारे मम्मी पापाओं के लिए क्या होगा? सेम होगा. इसीलिए कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स क्या हो गया? वेल डिफाइंड हो गया. क्या हो गया? वेल डिफाइंड. समझ रहे हैं मेरी बात? और कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, कलेक्शन ऑफ गुड टीचर्स, कलेक्शन ऑफ बेस्ट प्लेयर्स. तो ये जो चीज़ें हैं, बेस्ट, गुड, है ना, इंटेलिजेंट, ये सब वेल डिफाइंड वर्ड्स नहीं हैं. अगर आपके सेंटेंस में वेल डिफाइंड वर्ड्स इस्तेमाल नहीं हो रहा है या ऐसा वर्ड इस्तेमाल हो रहा है जो वेल डिफाइंड नहीं है, तो समझ जाइए कि वो जो कलेक्शन होगा वो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होगा. और जो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होगा वो सेट नहीं होगा, लेकिन वो कलेक्शन होगा. मतलब कुछ स्पेशल कलेक्शंस हैं जो सेट होते हैं. मतलब सारे कलेक्शंस सेट नहीं होते हैं, वही कलेक्शन सेट होते हैं, वही कलेक्शन सेट होता है जो वेल डिफाइंड होता है. तो मैं बोलूंगा कि जो भी सेट है, दैट इज ऑल सेट्स आर क्या होगा? कलेक्शंस. बट ऑल कलेक्शंस आर नॉट सेट्स. मैं थोड़ा ख़राब लिखता हूँ तो मेरी मेरे ऑडियो पर आप ध्यान दें, कहीं कहीं स्पेलिंग एरर हो सकता है, तो आप ठीक से लिखें. ठीक है, तो सारे कलेक्शंस सेट्स नहीं हैं, कुछ ऐसे कलेक्शन सेट्स होंगे जो वेल डिफाइंड होंगे. कौन होंगे वेल डिफाइंड? जो कलेक्शन के एलिमेंट्स सबके लिए क्या हों? सेम हो. ऐसा कलेक्शन जो डिफरेंट लोगों के लिए वेरी ना करे, उस सेट को हम क्या बोलेंगे? समझ रहे मेरी बात? उसको क्या बोलेंगे, उस कलेक्शन को क्या बोलेंगे? सेट. मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट. क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई. तो क्वेश्चन क्या आ सकता है इसमें, देखते हैं. कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 किसमें बोलिए? वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. क्या हम इस्तेमाल करेंगे बोलिए? कि ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो. कौन वेल डिफाइंड होगा? जो सारे लोगों के लिए वो कलेक्शन क्या हो? सेम हो, वेरी ना करे, ना बदले. तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर नॉट अ सेट. द फर्स्ट वन इज द कलर्स इन रेनबो. द कलर्स इन रेनबो. देखो रेनबो जब होता है, रेनबो के बारे में अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है. तो रेनबो में जो मोटे मोटे कलर्स होते हैं, मतलब जो मेन कलर्स होते हैं, जो कलर्स होते हैं आप जाने, उसमें कौन कौन होता है? वॉयलेट जानते हैं आप, और कौन होता है? इंडिगो, ये भी एक कलर है. उसके बाद होता है ब्लू, और कौन होता है बोलिए? ग्रीन. फिर कौन होता है बोलिए? येलो. और कौन होता है बोलिए? ऑरेंज. और कौन होता है? रेड. ये सारे कलर्स होते हैं किसमें? रेनबो में. नहीं जानते हैं तो जान लीजिए. ये कोई भी अगर आपको पूछे या किसी से भी पूछे जो जानेगा इन चीज़ों को, मतलब रेनबो के बारे में जानता है, तो वो कहेगा कलेक्शन ऑफ कलर्स इन रेनबो कौन कौन होगा? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. इसको आप विब ग्योर कह के कह सकते हैं, मतलब याद रखने के लिए. क्या? विब ग्योर. ठीक है, वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड. ये जो कलेक्शन ऑफ कलर्स हैं ये सब के लिए सेम होगा, तो ये क्या होगा? वेल डिफाइंड कलेक्शन, दैट इज ये सेट है. ये क्या है? सेट है. ठीक है, इसके कई लिखने के तरीके होंगे, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे. बस अभी हम लोग क्या जान रहे हैं? कौन सा कलेक्शन सेट है और कौन सा कलेक्शन सेट नहीं है. ठीक है, फर्स्ट जो ऑप्शन है वो सेट है. तो इसमें पूछा है कौन सेट नहीं है. क्लियर है? फर्स्ट नंबर क्या हो गया हमारा? सेट हो गया. बहुत अच्छा. क्यों सेट हो गया? क्योंकि जो कलर्स हैं ये सबके लिए क्या होगा? जो सेम होगा. हाँ, इसमें बोलता है द गुड कलर्स, द ब्यूटिफुल कलर्स इन रेनबो. तो कोई वॉयलेट और ग्रीन निकाल लेता, कोई ऑरेंज और ब्लू निकाल लेता, जिसको जो पसंद होता. सबके लिए सेम होना कोई ज़रूरी नहीं होता. समझ रहे हैं? तो जो पसंद, जो ब्यूटीफुल वाली बात है, जब भी कोई पूछे कि कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल कलर्स, तो क्या होगा यहाँ पे? सबके लिए अलग अलग होगा. क्योंकि कौन
क्या पसंद करता है, कौन कौन से कलर को पसंद करता है, ये तो एक बात हो गई। रेफरेंस पे डिपेंड करेगा, मतलब दूसरे पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर कोई कलेक्शन वैरी करे अलग अलग लोगों के लिए तो वो क्या नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, और उसको सेट नहीं कहेंगे, ठीक है। ये तो सेट है, ठीक। बहुत अच्छा। बी नंबर, बी में क्या बोला है, ऑल गुड बुक्स इन अ स्कूल लाइब्रेरी, ऑल गुड बुक्स इन अ स्कूल लाइब्रेरी। अब मान लेते हैं आपका स्कूल लाइब्रेरी है, अब इसमें बहुत सारी किताबें मिलती हैं, अब कौन सी किताब किसको पसंद है, ये तो डिपेंड करता है कि कौन बच्चे की बात हो रही है, स्टूडेंट कैसा है। किसी को फिक्शन किताब अच्छी लगती है, किसी को कहानियों की किताब अच्छी लगती है, किसी को साइंस किताब अच्छी लगती है, किसी को मैथ्स की बुक अच्छी लगती है। तो किसको कौन सा गुड लगेगा बुक, मतलब कौन सी किताब किसके लिए अच्छी होगी, वो उसके वो स्टूडेंट पे डिपेंड करेगा। अगर बोलता ऑल बुक्स इन योर स्कूल लाइब्रेरी, तो सारी किताबों का कलेक्शन सबके लिए सेम होता, क्योंकि उस लाइब्रेरी में जो किताबें हैं वो सबके लिए सेम होगा, जो किताबें हैं वो सबके लिए वही किताबें हैं। बट गुड बुक्स कह दिया है तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो बेसिकली प्रॉब्लम किसके साथ है, गुड के साथ। गुड मतलब अच्छा, और अच्छा क्या नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। तो जो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होगा वो कैसे पता चलेगा, इस तरह के वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, एडजेक्टिव बोलते हैं इसको। सी में क्या बोला है, द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। अब आप कहेंगे अलग अलग फैमिली का तो मेंबर्स अलग अलग होगा, नहीं, यहाँ पे बात हो रही आपकी फैमिली की बात। अगर हम आपके फैमिली को पार्टिकुलरली बोलूँ तो मैं बोलूँगा जो जो लोग आपके घर में होंगे तो आप भी वही बोलेंगे, दूसरा कोई आएगा वही बोलेगा, कोई झूठ बोले तो अलग बात है। बट अगर सच्चाई की तरफ रहे हम, मतलब सही बोलें, सच बोलें, तो आपकी फैमिली के जो मेम्बर्स होंगे, अगर चार मेम्बर्स हैं, उसका नाम मैंने ए बी सी डी दिया, कुछ और नाम हो सकता है, ठीक है। तो ये जो ए बी सी डी हैं, मैं भी बोलूंगा कि आपके घर में ए बी सी डी है, ये मम्मी पापा और ये दो बच्चे मान लेते हैं। तो जो भी कहेगा वो यही चारों बोलेगा ना, तो आपकी फैमिली के मेंबर्स सबके लिए क्या होंगे, सेम होंगे, वो डिफर नहीं करेगा। हाँ, आपकी फैमिली के अच्छे मेंबर्स तो वो क्या होगा, वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, सेट हो गया, क्योंकि सबके लिए क्या होगा, सेम, ठीक है। डी में द प्रिंसिपल्स, डी में क्या बोला है, द प्रिंसिपल्स ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल के प्रिंसिपल, तो अगर आप स्कूल जिस स्कूल में पढ़ते हैं, सिंगल प्रिंसिपल भी हो सकता है या अलग अलग सेक्शन के, छोटे बच्चों का अलग प्रिंसिपल है, बड़े बच्चों का अलग प्रिंसिपल है, सीनियर का, बहुत सीनियर का अलग प्रिंसिपल है, तो कई प्रिंसिपल्स हो सकते हैं। तो आपके स्कूल में मान लेते हैं तीन प्रिंसिपल्स हैं, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, तीसरे का नाम सी है। तो उस स्कूल के किसी भी बच्चे को पूछिएगा जो जानेगा उस स्कूल को, या बाहर के भी लोगों से पूछिएगा, तो कहेगा कितने प्रिंसिपल्स हैं, तीन, कौन कौन, ए बी और सी। क्योंकि प्रिंसिपल्स जो हैं उस वक्त पे वो सबके लिए सेम होगा, वो ऐसा थोड़े कि कोई बच्चा कहेगा ये प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल है तो है, मतलब जितने प्रिंसिपल्स हैं आपके स्कूल में वो सबके लिए सेम रहेगा, वो वैरी थोड़े करेगा, समझ रहे हैं मेरी बात। सब कहेगा कि उस स्कूल में तीन प्रिंसिपल्स हैं, कौन कौन, ए बी और सी। उस ड्यूरेशन में हो सकता है नए सेशन में बदल जाए, बट उस सेशन की अगर बात करें तो प्रिंसिपल्स जो होंगे सबके लिए सेम होंगे। तो ये भी कैसा कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है वो क्या है, सेट है। इसमें कौन आया, कौन कौन सेट हुआ बोलिए, ए सेट हुआ, ए में कौन आया, विप, ग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सी में कौन आया, मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, आप जानते हैं, खुद लिख सकते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ योर स्कूल, आप खुद लिख सकते हैं, वेल डिफाइंड है। लेकिन गुड बुक्स इन योर स्कूल लाइब्रेरी, ये सेट नहीं है, क्योंकि किताबें जो अच्छी होंगी वो सबके लिए सेम अच्छी किताबें होंगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बन गया, ठीक है। किससे बना, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट, इस थ्योरी पे। काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, कुछ ऐसा पूछा है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है बच्चों, कैन द फॉलोइंग बी कॉल्ड सेट्स, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। कॉन्सोनेंट्स इन द वर्ड सेट्स, कॉन्सोनेंट इन द वर्ड सेट्स, वर्ड का नाम ही सेट्स, मतलब यहाँ वर्ड जो इस्तेमाल किया सेट्स, देखिए S E T S,
तो एस में अगर एस की बात करें तो ये कॉन्सोनेंट है, ई क्या है, वॉवेल है, ये तो हमारा कॉन्सोनेंट है, कॉन्स्टेंट नहीं कॉन्सोनेंट, और ये क्या है हमारा वॉवेल, ये क्या है हमारा कॉन्सोनेंट, ये भी क्या है कॉन्सोनेंट। अब जानते हैं ना वॉवेल कौन होता है, ए ई आई ओ यू, इनके अलावे जितने सारे अल्फाबेट्स या लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट है। तो कौन कौन आया, एस आया, टी आया, एस तो दो बार आ गया। ये लिखने का तरीका है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, आई एम सॉरी रोस्टर फॉर्म कहते हैं। डिफरेंट तरीके हैं लिखने के सेट्स के, ये जो हम लिख रहे हैं इसको डिस्क्रिप्शन मेथड कहते हैं, जो भी हो अभी अब बाद में जानेंगे। इसमें दो एलिमेंट्स हुए, किसी को भी कहिएगा इससे आप कॉन्सोनेंट को बाहर कीजिए तो क्या बाहर करेगा, एस और टी, तो ये भी वेल डिफाइंड है क्योंकि सबके लिए क्या है सेम। तो ये सेट है, ये सेट है, ठीक है। सेकेंड नंबर बोला है नेम्स ऑफ डेज ऑफ द वीक दैट हैव एटलीस्ट एटलीस्ट फोर आवर्स ऑफ सनशाइन। अब इस बात को आप गौर कीजिए, क्वेश्चन में कह रहा है नेम्स ऑफ डेज, जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो भी है, फ्राइडे सैटरडे है ना, उसमें डेज के वीक की बात, मतलब उस वीक के डेज की बात करी जा रही है कि जिसमें चार घंटे कम से कम सनशाइन हो, मतलब सूरज की जो रोशनी है, सूरज से जो एनर्जी आ रही है वो आए कम से कम कितने घंटे, चार घंटे। अब बताइए ये तो डिपेंड करता है डिफरेंट लोकेशन पे, ये डिफरेंट वीक्स पे, रीजन पे, मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है। हम यहाँ पे ये नहीं फिक्स कर सकते कि मंडे और ट्यूसडे होगा, तो यहाँ पे कोई भी दिन को हम क्या नहीं कर सकते, फिक्स नहीं कर सकते जिसमें कम से कम चार घंटे सनशाइन हो। हो सकता है कभी चार घंटे सनशाइन कम से कम हो और कभी न भी हो, तो ये डिफर करेगा, मतलब ये अलग अलग जगह में अलग अलग लोगों के हिसाब से ये वैरी करेगा, क्योंकि कौन आदमी कहाँ पे है इस पे ये डिपेंड करेगा। लेकिन मैं बोलूँ वॉवेल्स का कलेक्शन या सेट्स के कॉन्सोनेंट का कलेक्शन क्या है, ये अगर अमेरिका का बंदा होगा वो भी एसटी निकालेगा, इंडिया का बंदा होगा वो भी एसटी निकालेगा, बट यहाँ पे ये वैरी करेगा, तो ये क्या नहीं है, सेट नहीं है। इसमें कलेक्शंस तो हो सकते हैं बट ये वैरी करेगा डिफरेंट लोगों का, डिफरेंट लोगों का बदलते रहेगा, तो ऐसे कलेक्शंस को हम क्या नहीं कहते हैं, सेट्स नहीं कहते। आई थिंक आपको ये बात अब समझ आ गई होगी कि कौन से कलेक्शन सेट होंगे, कौन से कलेक्शन जो वेल डिफाइंड होगा। ओके, अब बात आती है जो सेट्स हैं उनके जो एलिमेंट्स हैं, उनके जो एलिमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं कार्डिनल नंबर। इसमें आपके इन्फो बाइट्स में यूनिवर्सल सेट वगैरह लिखा हुआ है, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, एलिमेंट्स ऑफ सेट, क्या पढ़ेंगे बोलिए। अगर कोई टॉपिक छूट जाए तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, मैं तो शुरू ही किया हूँ। क्लास सिक्स में खास बात यह है कि सबसे पहला चैप्टर थ्योरी शुरू करने वाला, मैं जितनी सारी चीज़ें पढ़ा, मैं पियर्सन बहुत ज़्यादा पढ़ा चुका हूँ 7, 8, 9, 10 में, बट क्लास सिक्स में अब तक दो ही वीडियोस बने हैं जो अभी मैं वीडियो मेरा आप देख रहे हैं इस वक्त, है ना। तो एलिमेंट्स ऑफ देख रहे हैं तो अभी आप देख रहे होंगे, हो सकता है, ठीक है, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उस सिचुएशन में मैं कह रहा हूँ, ठीक है, उसको जाने दीजिए। एलिमेंट्स ऑफ सेट मतलब ये पहला थ्योरी मैं बना रहा हूँ क्लास सिक्स का, है ना। एलिमेंट्स क्या होगा, एलिमेंट का एक दूसरा नाम है मेंबर्स, या इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे मैं बोलूँ कलेक्शन ऑफ, ठीक है, वॉवेल्स की बात करूँ, इसको हम क्या बोलेंगे बोलिए, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, इसमें कौन कौन आएगा, ये कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल होता है, ये क्लोज ओपन होता है, उधर से क्लोज होता है, ए ई आई ओ यू, आप स्मॉल या कैपिटल कुछ भी लिख सकते हैं। ये जो कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स के अंदर जो एलिमेंट्स आए, ये कौन कौन है बोलिए, ए ई आई ओ यू, दीज आर कॉल्ड मेंबर्स और एलिमेंट्स। तो मैं कहूँगा ए इज एन एलिमेंट of the set V, set का नाम मैंने क्या दिया V, इस तरह से लिखने का तरीका है। तीन तरीके हैं, उस पर मैं अलग से मैं डिस्कस करूँगा। ओके, तो A is an element of V, बहुत अच्छा, तो इसी को बोलेंगे हम A belongs to V, दो तरीके से लिख सकते हैं,
ए वी में बिलोंग कर रहा है या ए इज एन एलिमेंट ऑफ वी। इसका जो सिंबल है बिलोंग्स टू का, हम लोग कुछ ऐसा लिखते हैं और यहाँ पे से काट देते हैं। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये सिंबल किसका हो गया, बिलोंग्स टू का। तो एक पहला सिंबल आपके पास आ गया, इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। लेकिन आप बताइए क्या इसमें बी है, बी नहीं है, तो बोलेंगे बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ वी, या कहेंगे बी डज, या डज लगा दिए है ना, तो बिलोंग्स मत लिखिएगा, ये बिलोंग हो जाएगा, बी डज नॉट बिलोंग टू वी। इसको कैसे लिखते हैं, बी बिलोंग्स टू का ही सिंबल देते हैं, लेकिन नहीं बिलोंग कर रहा है तो ऐसा लिख देंगे। तो दो सिंबल आप जाने, एक है एलिमेंट ऑफ का, एक है नॉट एन एलिमेंट ऑफ का, एक है बिलोंग्स टू का और एक डज नॉट बिलोंग टू का। कैसे लिखते हैं, सी टाइप का लिख के अब बीच में एक लाइन सेगमेंट दे देते हैं, ठीक है। कुछ कुछ ई टाइप लग रहा है ना, ई मत पढ़िए इसको, ये बिलोंग्स टू का ही सिंबल है स्पेसिफिकली, ओके। तो ये बात हो गई, तो ये हमारा एलिमेंट की कहानी, बहुत अच्छी, इसको मिटा दो, ठीक है। इसमें और कुछ बातें करनी है, लेकिन बिलोंग्स टू के बारे में अगर बात आ गई तो इसके जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं इसको जरूर कर लेते हैं, है ना। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है ए इज इक्वल टू 4, 8, 12, 16 और 20। बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है 8, 16, 24, 32 और 40। तो इसमें कुछ सिंबल्स इस्तेमाल करना है, 40 और यहाँ ए लिखा है, तो 40 और ए में रिलेशन क्या है, 40 क्या एलिमेंट है ए का, क्या 40 ए में बिलोंग कर रहा है, डज 40 बिलोंग टू ए, नो, तो 40 डज नॉट बिलोंग टू ए, सिंपल सी बात है। सेकंड नंबर फिल इन द ब्लैंक, ये भी है 8 और यहाँ क्या दिया, बी, डज 8 बिलोंग टू बी, क्या 8 बी में बिलोंग कर रहा है, क्या 8 बी का एलिमेंट है, हाँ है, देखिए बी में 8 है तो यहाँ बोलेंगे हम लोग बिलोंग्स टू, ठीक है, बहुत अच्छा। थर्ड नंबर, थर्ड में क्या बोला, 44 और यहाँ पे ए लिखा है, तो क्या 44 ए का एलिमेंट है, 44 ए में नहीं है, तो 44 डज नॉट बिलोंग टू ए, आसान बात थी, उतार लीजिए, काफ़ी आसान, ठीक है, चले बहुत अच्छा, मिटा दूँ, ठीक है, 17 हो गया। उसके बाद और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है इफ़ एम इज इक्वल टू जनवरी मार्च मई जुलाई, एम में क्या क्या है, जनवरी मार्च मई, थोड़ा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपके पास बुक होगी मैं आशा करता हूँ, कैपिटल एंड क्या लिखा है, ये लिखा है अप्रैल जून सितंबर नवंबर, अप्रैल जून सितंबर और नवंबर, ये लिखने का तरीका ऐसे, इसको ऐसे ओपन रखना, इधर से क्लोज करना है, ठीक है। इस मेथड को जान लीजिए, इसका नाम है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर मेथड, है ना। इसमें बोला फरवरी और यहाँ पे लिखा है एम, देखिए एम में जनवरी है, मार्च है, मई है, जुलाई है, फरवरी नहीं है, मतलब फरवरी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एम, डज नॉट बिलोंग टू एम। उसके बाद बोला फिर फरवरी बोला, क्या एन में है, फरवरी एन में भी नहीं, अप्रैल है, जून है, सितंबर है, नवंबर, डज नॉट बिलोंग टू एन, सिंपल सा, ठीक है, उतार लीजिए। तो इतनी सारी बातें आप समझ गए होंगे, ठीक है। चूंकि हमने एलिमेंट्स को जान लिया, तो एलिमेंट्स कितने सारे हैं सेट में, उसको कहते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, क्या कहते हैं, कार्डिनल नंबर। जैसे मैंने कहा एक सेट है, मान लेते हैं ए है, नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है अप टू 5, चलिए मैं मान लेता हूँ 2 से लेकर 5 लिया, नेचुरल नंबर्स
मतलब काउंटिंग नंबर्स कहाँ से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4, हम कहाँ तक ले रहे हैं, 5 तक, ठीक है, कलेक्शन है 2, 3, 4, 5, इसमें कितने सारे हैं, 1, 2, 3, 4, मतलब ए के जो एलिमेंट्स हैं, ऐसे लिखा जाता है ब्रैकेट में ये दिए, और एन इसको बोलते हैं नंबर ऑफ, बोलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए, याद रहे ए के साथ ब्रैकेट है और एन बाहर लगा हुआ है, ये कितने सारे हो गए, 4, इसी को हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर, ठीक है, इसको फिनाइट सेट कहते हैं, वैसे हम अलग से पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ सेट्स, उसमें फिनाइट इनफिनाइट सेट्स और ये सब सारी चीज़ें बता देंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना हुआ, 4, जैसे मैं लिखूँ वावेल्स का कलेक्शन कौन कौन है, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू, इसका कार्डिनल नंबर अगर पूछा जाए तो एन ब्रैकेट में वी, तो ये क्या होगा, 3 और 2, 5, 5 हो गया। अभी हम सेट के लिखने का तरीका भी सीखेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है पूछा जाए तो बोलेंगे द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें क्या जानना है हमें, जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 किसका है, ये आपका है शॉर्ट आंसर का, है ना, व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट एन, देखिए एन का जब भी लिखा है व्हाट इज द, क्वेश्चन लिख दो, व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट एन ऑफ द नेचुरल नंबर्स, लिख भी दिया है नेचुरल नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20, बिटवीन 10 एंड 20, देखिए नेचुरल नंबर्स किसको कहते हैं, कलेक्शन ऑफ काउंटिंग नंबर्स, तो याद रहे जब n लिखेंगे इसमें कौन कौन आएगा, 1, 2, 3, 4, यही आएगा, कहाँ तक आएगा, इन्फिनिटी तक, पूछा जाए सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन है, 1, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन है, नॉट डिफाइंड, समझ रहे हैं मेरी बात, डिजिट्स जानते हैं आप जो सिंगल सिंगल होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक होता है, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आर कॉल्ड डिजिट्स, तो डिजिट्स का कलेक्शन भी क्या, सेट्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन कहाँ से शुरू होता, 1 से, ये भी वेल डिफाइंड है, बट ये फिनाइट नहीं है, इनफिनाइट सेट है, जो कि आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, चूंकि ये कितने सारे एलिमेंट्स रखेगा, इनफिनाइट, ओके, लेकिन इसमें बोल रहा है कलेक्शन ऑफ, व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट एन ऑफ द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20, तो एक सेट का नाम मैंने ए दे दिया, ये तो नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है ना, मैंने इस सेट का नाम क्या दे दिया, ए, ए क्या होगा, ये 10 और 20 के बीच, 10 और 20 नहीं, 10 और 20 के बीच, तो 10 के आगे कौन होगा, 11, फिर कौन होगा, 12, फिर कौन होगा, 13, फिर कौन होगा, 14, फिर कौन होगा, 15, 16, 17, 18 और 19, कितने सारे हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 10 और 20 के बीच, 10 और 20 के बीच जो नेचुरल नंबर्स आए वो कितने सारे आए, 9, और यही क्या कहलाता है, कार्डिनल नंबर, समझ गए, तो कार्डिनल नंबर क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, हर सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन, ये तो नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन में कार्डिनल नंबर कितना होगा, इनफिनाइट होगा, बट कह रहा है 10 और 20 के बीच, तो कितने सारे हुए, 9, ये 30 हो गया। 31 में एक सवाल है, क्या कह रहा है, व्हाट इज द कार्डिनल नंबर, व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट विथ, ऑफ अ सेट विथ द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, विथ द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, ओके, ठीक है, तो बताइए व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट विथ द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, सबसे छोटा ऑड नंबर कौन है, बताइए, 1, सबको पता है, नेचुरल नंबर्स भी पूछा गया वैसे, है ना, तो क्या होगा, ये सेट का नाम मैंने बी दे दिया, इसमें कौन आएगा, बोलिए 1, अरे ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 2 से डिविजिबल नहीं है, सबसे पहला कौन नंबर है, 1, तो दिस इज द स्मॉलेस्ट,
मतलब वन इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, और ये सबके लिए सेम होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो इसमें कितने सारे एलिमेंट्स हो गए बताइए, एक ही एलिमेंट है, मेरी बात समझ आ रही है। तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हुआ, एक। इसका कार्डिनल नंबर कितना है, 9। सिंपल सी बात है, ठीक है, समझ गए। तो आज के इस सेशन में, मतलब इस लेक्चर में मैंने जो डिस्कस किया वो सेट क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन को मैंने समझाया, और इसके एलिमेंट्स का क्या सिंबल होता है, मतलब एलिमेंट ऑफ का, नॉट एन एलिमेंट ऑफ का क्या सिंबल होता है, और कार्डिनल नंबर को मैंने डिस्कस किया। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, मतलब हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट। इसके तीन मेथड्स हैं, फिर टाइप्स ऑफ सेट्स को डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में समझाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।